ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग S21 FE5G स्मार्टफोन के One UI 6.1.1 अपडेट के बारे में। क्या हमारे स्मार्टफोन के लिए 6.1.1 की अपडेट रिलीज़ की जाएगी, और अगर अपडेट रिलीज़ की जाती है तो कब तक अपडेट आएगी, क्या कुछ न्यू फीचर्स आने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सैमसंग फाइनली 6.1.1 की अपडेट जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर S21 FE5G स्मार्टफोन का जो अपग्रेड वर्जन है, या फिर से कह सकते सक्सेसर S23 FE5G स्मार्टफोन है, उसके लिए भी जो है वो अपडेट रिलीज कर दिया गया है। तो क्या हमारे स्मार्टफोन के लिए भी अपडेट आएगी? तो दोस्तों यहां पर तो अभी तक ने सैमसंग ने कोई भी कंफर्म नहीं किया है, पर बताया जा रहा है कि S21 सीरीज के अंदर अपडेट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग S21 FE5G स्मार्टफोन के अंदर भी अपडेट जो है वो आ सकती है। बाकी फ्रेंड्स, अपडेट आती है तो कब तक रिलीज किया जाएगा, क्या कुछ फीचर्स के साथ अपडेट आने वाला है? तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कैमरा में फ्लैक्स कैमरा की फीचर्स देखने के लिए मिलेगी, इंस्टेंट स्लो मोशन, फिर गैलरी में लाइव इफेक्ट, मोशन क्लिपर, साथ ही साथ पोर्ट्रेट स्टूडियो, ओवरले ट्रांसलेशन, एक्सपर्ट ड्रॉ, ये सभी फीचर्स जो है वो मिलने वाली है, और भी काफ़ी सारे माइनर से फीचर्स है जो कि देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें रिलीज डेट के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो है ना वो अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में अपडेट मिलने के चांसेस हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग वाले क्या करते हैं, कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।